तो हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऐसे एलपी एंड टेक्नीशियन वालों के लिए कौन सा बुक है, मतलब कि रेलवे का हर एक एग्ज़ाम में आपका काम आएगा, तो वो बुक आपको बताऊंगा। ये एक बुक पढ़ लो एंड सिलेक्शन पक्का, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो है जीके आता है, फिर जीएस जनरल साइंस, फिर उसके बाद मैथ आता है, फिर रीजनिंग। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ जीके एंड जीएस के लिए। अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप लोग ले सकते हो, यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बुक को आप लोग ले सकते हो। एंड ये बुक हर एक एग्ज़ाम में आपको काम आने वाला है, जीके एंड जीएस दोनों का। यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको, क्योंकि ये जो है टीसीएस का जो है टफ होता है ना पैटर्न, उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। और एक अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ के लिए आप लोग ये बुक को फॉलो कर सकते हो, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैं बात करता हूँ अगर रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए भी ये बुक। एंड लास्ट में मैं जो बात करूँगा, जो बुक आपके पास होना एकदम कंपलसरी है, ये जो है PYQ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है, तो मेरे पास जो है वो इंग्लिश का है, आप चाहे हिंदी का भी ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका भी। ये वाला के साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड भी देता है अगर आप लोगे तो। किरण किरण का ही बुक है ये सब बुक मैं बताया जो किरण का है, इसमें आपको स्क्रैच कार्ड देगा। एंड स्क्रैच कार्ड से आप लोग फ्री 1 ईयर का, 1 साल का आपका जो भी है मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना स्कोर जान सकते हैं कि मेरा तैयारी कितना है। और ये जितना भी मैं बुक का नाम बताया, ये जो है वो हर एक जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो सभी का रिकमेंडेड बुक है ये, इसलिए आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। एंड अगर आप लोग वो जो मैं 3 बुक मैं जो बताया पहले वो ना भी लो, तो आपको प्रीवियस ईयर वाला बुक, PYQ बुक, प्रीवियस ईयर का बुक है, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक बुक से भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोग क्या करना है, यूट्यूब से मैथ मैथ एंड रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना। वैसे मैथ मैथमेटिक्स आप लोग अगर कर लेते हो ना अच्छा से, तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड आप लोग यही 2 ठो को सिलेबस कवर करके आप लोग एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर कर सकते हो। स्टेज 1 क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जो बात करता हूँ आपको साइंस के लिए भी, कोई भी एक चैनल को आप लोग यूट्यूब पे फॉलो कर लेना, उसके बाद खुद का नोट आप लोग यूट्यूब से देखकर टॉपिक वाइज नोट बना लेना। आप लोग आराम से उसी से ही अपना नोट जो रहेगा ना, उससे पढ़ने में एंड उससे अपना दिमाग में भी जल्दी रहता है। मतलब कि साइंस के लिए तो नोट बना लो खुद से, ये ज़्यादा बेटर है। एंड मैथ का प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एंड सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।